बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वक् आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की राहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे अल्लाह तथा अपना करम फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखें आमीन जी तो वेस आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम एक वेजिटेबल से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आसान तरीके से बनते हैं कैसे बनते हैं तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं जी तो हुएस इन स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है गोभी गो ली है और गोभी की कटिंग आप देखिए मैंने किस तरह से की है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है इसको आपने कटिंग करके अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर गोभी को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने पानी लेना है और पानी को हमने क्या करना है बॉयल करना है जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हमने नमक डाल देना है नमक हमने तीबन हाफ टी स्पून से भी कम डालना है और उसमें फिर हमने वाश की हुई गोभी को डाल देना है और गोभी को हमने इसमें बिल्कुल नहीं पकाना बॉईल नहीं करना बस गर्म पानी में हम डालेंगे और एक से दो मिनट के बाद ही हम इसको निकालेंगे ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है नमक डालने से ये होगा कि इसका ना फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्ता हो जाएगा कि सॉल्टी सॉल्टी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए गोभी शामिल कर रही हूँ गोभी को ना बॉयल करना है और फुल बॉयल नहीं करना बस एक से दो मिनट हमने उबलते हुए ये देखिए पानी अच्छे से ना पक रहा है तो बस इसमें हमने गोभी को डालना है और एक से दो मिनट के बाद इसको निकाल लेना है और निकाल के तो हमने इसको खुश करना है तो बस इसको निकालेंगे हम और निकाल के अब इसके लिए हम कुछ स्पाइसेस रेडी करेंगे स्पाइसेस में यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तिक्का मसाला डाल दिया था और और हल्दी पाउडर डाल दिया था तो ये मैंने पहले ना यहाँ पर मिक्सिंग करने लगी थी फिर मैंने कहा नहीं आपके साथ इसकी शेयरिंग करती हूँ और कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने और साथ ही मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर धनिया पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून और नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून से भी कम लिया है क्योंकि गोभी को बॉईल करते भी डाला था और चाट मसाला लिया है और हल्दी पाउडर लिया है तो इसको हमने डाल देना है और डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें ना हमने गोभी डाल देनी है और ये सारे मसाले ना स्पाइसिस जितने भी हैं अच्छी तरह से गोभी पर लगा देने हैं ताकि मसालों का एक टेस्ट गोभी के अंदर से आना स्टार्ट हो जाए और इसको हमने रख देना है कम से कम एक घंटा तो मैरिनेशन पे ज़रूर रखेंगे और उसके बाद एक घंटे के बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैंने आ, साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर ये आ, टू टेबल स्पून मैंने डाले हैं तो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा और एक क्रिस्पीपन सा इसकी जो आ, हम कोटिंग करेंगे आ, कोटिंग में बहुत अच्छा सा क्रिस्पीपन आएगा तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने और पेपरिका डाला है और साथ मैंने ये मीठा सोडा एक चुटकी डाल दिया था और नमक डाला था तो बस इनके साथ हमने इसकी एक लई सी बना लेनी है लई हमने कितनी गाढ़ी रखनी है और कितनी पतली रखनी है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी और ख़ूबसूरती के लिए कि जो हमारे ये कोटिंग होगी ना बहुत ही खूबसूरत लगेगी इसमें मैंने कटिंग करके डाल दिया है सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना था इसमें लेकिन अगर आपके पास पुदीना है तो आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा और इसकी एक ले सी बनाएंगे ये देखिए माशाल्लाह से कि मैंने इसके अंदर एक गोभी के पीस को किया है और ये देखिए माशाल्लाह से गोभी के पीस पे इसकी कोटिंग ज़बरदस्त सी हुई है तो बस इसी तरह हम सारे पीसेस को डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे मैंने घी में फ्राई किया है आप ऑयल में भी कर सकते हैं घी से थोड़ा सा ये कि क्रिस्पीपन ज्यादा आ जाता है लेकिन सेहत के हवाले से देखा जाए तो ऑयल ज़्यादा बेस्ट है तो यहाँ पर हमने तब तक इनको ये साइडें चेंज नहीं करनी जब तक कि ये पेन को छोड़ नहीं देंगे तो ये देखिए मैंने इसको हिलाया लेकिन ये नहीं हिल रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगी लेकिन ऐसे ही ये खुद ही पेन पैन को छोड़ेंगे तो आप इनकी साइडें चेंज कर दीजिए तो इनकी कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी तो आप देख सकते हैं माशाला से ये ज़बरदस्त तरीके से बन चुके हैं बस इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना बहुत ज़्यादा डार्क कलर इन पर नहीं करना क्योंकि गोभी को हमने बॉयल जब किया था ना तो वो हाफ कुक हो चुकी थी तो ये आप देखिए माशाला से कितने ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा ट्राई कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा और अच्छे से से कमेंट भी कीजिएगा वीडियो को फुल वॉच किया करें स्किप बिल्कुल भी मत किया कर कीजिए और जो भी मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको झटपट से मिल सके तो आपने इसको ट्राई भी करना है फीडबैक भी देना है और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे कहूँगी कि खुश रहें खुशियाँ बांटें उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं प्यार से बनाएं उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है अल्लाह ताला की ज़ात आपके मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए आमीन अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरा कीजिएगा इंतज़ार मैं आऊँगी इन शाला एक नई रेसिपी के साथ तब तक अल्लाह अलग के साथ आपका मेरा और हम सब का हम हो टेक केयर अल्लाह हाफिज़